जानने के लिए, क्योंकि देखो लड़ने के लिए चाहिए मुद्दा, अगर वो लड़ना चाहता फिर तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो अभी तो हम आप लोगों को सुनने के जानने के लिए आए, बाकी तो लड़ाई तो अभी शुरू नहीं हुई, लड़ाई तो आज के बाद आप देखना, हम बताएंगे कैसे लड़ी जाती है। अरुण जी जो हुआ वो तो आप तो यहाँ बैठे, हमने उसे बहन कहा, हम कहते नहीं, हम तो मान लेते, मान लेते तो अब सारा सब पूरा समाज इसके खिलाफ खड़ा हो जाए, हम उसके साथ भाई नहीं, नहीं हटेगा ही नहीं, ये हाथ काटना पड़ेगा तब तो उसका हाथ छूट सकता है। और इस परिवार से हमने ये हम रिश्ता बना लिया, वहाँ से चल के, हाँ मैंने आपको बताया कितने लोग हैं हमारे, आप देखो सबको रोकते हुए और संत कबीर नगर आपको कह के रोके, बस्ती रोके, सबसे कहा कि नहीं जाना किसी को आगे, अब तो सिर्फ आज हम उनको मिलने के लिए आए थे, लेकिन आखिर उस देख रहे हैं आप कितना उनकी तकलीफ भी जाए थी, 17 लोग उन्होंने चिन्हित कराए, 10 लोग उनमें से और मुश्किल अरेस्ट हुए, जो लोग इतना प्लान करके लंबे समय से रणनीति बनाए हुए थे कि इसको नुकसान पहुँचाना, यानी कि वो तो अपना उस अहंकार को अपनी अंदर से उस बुराई को नहीं निकाल, इस परिवार में और लोग जो लड़ने वाले हैं हमने फिर पहला भी देखा, नाम याद है हम सब लोग, परिवार किसी और व्यक्ति को नुकसान हो पहले तो उन 7 लोगों को जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो है ना परिवार का एक डर जो है वो खत्म, परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था है जी लगा हुआ भैया जी, गोला चौराहे मुझे मैं तुम लोग ही तो वहाँ आराम से मेरे पति जाएंगे ड्यूटी तो इनके साथ कोई सुरक्षा चाहिए ना, तो ड्यूटी जाएंगे आएंगे तो हमको तो डर लगा ही रहेगा, मेरा पति गया ड्यूटी करने तो उसके यहाँ घर की सुरक्षा, उसके अलावा 200 सुरक्षा गार्ड और हमने तैनात किया, और आपसे आके हम बता गए थे जब कभी बुक करना हो तो उनको लेके बुक करिएगा, अकेले आपको कुछ कहना है घर में तो रहेंगे नहीं, आप ड्यूटी जाएंगे तो भी आपके साथ सुरक्षा जाएगी, हमें भैया चाहिए सुरक्षा, मैं अरुण जी इसका वो करूं सुरक्षा, 6 महीने रहेगी, साल भर रहेगी, तो इस पे एक सस्ता लाइसेंस के लिए, हां सस्ता लाइसेंस के लिए अरुण जी, मैं तो पहले दिन से आपसे भी कहा आपने फाइल जमा कराई आप जी सर, कल हो जाएगी सर, करेंगे कौन कह रहे नहीं करेंगे, नहीं नहीं अरे आप पहले अपना एप्लीकेशन डालिए, देखो एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, बात तो आगे है ना, मेरी बात सुनो, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ऑनलाइन, अंजनी अभी यहाँ बैठा हूँ मैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद फिर डीएम साहब के पास जाएंगे, फिर वो दौड़ी में बैठा असला बाबू आपके लिए फॉर्म जारी करेगा, आप एक बार जो है ना कप्तान साहब से बात कीजिए, इनके असले के लाइसेंस जो है परिवार के बने, ठीक है, डीएम साहब को तो खुद पहल करके बनाया जाए, डीएम साहब आए आप लोगों से मिले नहीं है, कोई से बड़ा अधिकारी नहीं है, आपके अलावा कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया, एसएसपी साहब तो आए, वो तो पुलिस का एक मतलब भावनात्मक भी और सिक्योरिटी पर्पज हमारा काम, लेकिन क्या प्रशासन के लोगों में जो डीएम जो मेन यहाँ के जो है ना नोडल अधिकारी है इतना बड़ा, आपको पता पूरे ये क्योंकि ये ऑनर जी पूरे देश में इसकी चर्चा है,